हमारी साइंस भरी दुनिया में रोज अलग अलग तरीके के रिसर्चेस होते रहते हैं। आज साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हर एक चीज जो हमसे जुड़ी है वो किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले कहाँ हम जंगल में हुआ करते थे और आज बिकॉज ऑफ साइंस हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। क्योंकि साइंस का सिद्धांत यह कहता है कि किसी चीज़ की साइंटिफिकली खोज करना, यानी उस चीज़ के रिलेटेड सवाल खड़े करना, उस सवाल का जवाब ढूंढना और उसी जवाब को प्रैक्टिकली प्रूफ करना, यही साइंस अक्सर करता है। इन्हीं सब सिद्धांतों को फॉलो करते हुए आज हम सब इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में हैं और आगे भी इस सिद्धांतों का ऐसा ही इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल साइंस ने कुछ ऐसा खोज निकाला है जो हम सबको चौंका देने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल फीटस टेक्नोलॉजी की। इस टेक्नोलॉजी में डॉक्टर्स माँ के गर्भ जैसा ही बाहरी दुनिया का एक कृत्रिम गर्भ तैयार करते हैं, जिसे बायोबैग नाम दिया गया है। जो तत्व किसी माँ के गर्भ में पाए जाते हैं वही सब तत्व इस बायोबैग में दिए गए हैं। ये बायोबैग एक प्लास्टिक का बना हुआ बैग है जो ट्रांसपेरेंट है, जिससे डॉक्टर्स को बच्चे के अंदर की स्थिति जानने में मदद मिलेगी, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के तरल पदार्थ है जो बच्चों को पूरी तरह से न्यूट्रिशन दे सके। लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं लोगों पर आजमाई जा सकती है जो बेबी प्री मैच्योर है। प्री मैच्योर बेबीज वो बेबी होते हैं जो माँ के गर्भ के अंदर पूरी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते और किसी न किसी रीजन की वजह से उनका विकसित चलन रुक सा जाता है और वो नियंत्रित समय से पहले ही शरीर के बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर्स इसी प्री मैच्योर बेबी को बायोबैग के अंदर रखकर उन पर प्रोसेस करते हैं। हाल ही में अमेरिका के फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल में ये प्रोसेस किया गया, जिसमें एक प्री मैच्योर चाइल्ड लैम्ब को बायोबैग में रखा गया। वो बायोबैग एमनियोटिक तरल पदार्थों से भरा हुआ था, जिसके कारण उन्हें पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिल सके। इस प्रोसेस में एक नहीं बल्कि 8 बच्चे रखे हुए थे उनकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उन्होंने कुदरती रूप से पैदा हुआ बच्चे को आर्टिफिशियल बच्चे के साथ कंपेयर किया तो उन दोनों में ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। इस प्रोसेस में लगे हुए डॉक्टर एलन फ्लेक का कहना है कि आने वाले कुछ समय में ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन बेबीज पर भी प्रोसेस करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन माँ का बेबी गर्भ में पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते, वह यह टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी बेबी को हेल्दी और स्ट्रांग बना सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का मेन एम ये है कि कई सारी माओं को बच्चे की डिलीवरी करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम और बहुत सारी पेन को सहन करना पड़ता है, और 9 मंथ्स वेट करने के बाद भी अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी करने के कंडीशन में ना हो तो डॉक्टर्स उन्हें सीजरिंग करने का ऑप्शन देते हैं, जिसमें बहुत खतरा होता है और कभी कभी पॉसिबिलिटी ये भी रहते हैं कि बच्चे की जान जा सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स इस टेक्नोलॉजी पर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और उनका कहना ये भी है कि बहुत ही जल्द ये प्रोसेस हर हॉस्पिटल में लाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके, और सब्सक्राइब करें हमारे ज्ञानहीर चैनल को ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ये वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम आपके लिए ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे।